दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर अटक गए हो तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और भेज देना है डाउटेड एप्लीकेशन पर। आपको 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, या फिर दोस्तों होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या अदर बोर्ड का, या फिर दोस्तों क्लासिक से क्लास 12 तक IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और दोस्तों डाउटनेट ऐप पर क्लास 9 से क्लास 12 तक लाइव क्लास चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और दोस्तों डाउटनेट पर आप यहाँ पर 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम NMMS का एक मॉडल पेपर बताने वाले हैं आपको। इस वीडियो के अंदर देखिएगा, NMMS का एग्ज़ाम नज़दीक है और हमारे पास कुछ अच्छा सा मॉडल पेपर तैयार हो किया जाए। तो देखिएगा, पार्ट फर्स्ट में दे रखा है, इसमें जो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट दोनों का आपको बताने वाला है, जो बौद्धिक परीक्षा है और जो शैक्षिक परीक्षा दोनों की आज वीडियो के अंदर आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे। तो ये जो पहला प्रश्न है वो 1 से 90 नंबर के बीच में है। तो चलिए वो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है और इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और पेपर है आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है और एक इसके हिंदी लैंग्वेज के अंदर है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा निर्देश 1 से प्रश्न 4 तक, इसमें क्या बताएगा आपको, यहाँ पर जो लुप्त संख्या है उसके बारे में बताना है। अब इसका पेपर का सॉल्यूशन दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लिखूँगा। अब देखिएगा, एक मेन चीज़ बता देता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि यही पेपर आएगा। दोस्तों मैंने वीडियो बनाई, ये मॉडल पेपर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यही आप पेपर रट लो और इसी पेपर को जाके रट कर बाद में बोलोगे कि आपने बताया सवाल आया नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर पूरा है, ये एक मॉडल पेपर है, ओनली सैम्पल पेपर है कि मतलब किस तरह से पेपर आता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो देखिए दोस्तों, देखिए 196 है, फिर देखिएगा 169, इनके बारे में आगे कौन सी संख्या आएगी उसके बारे में आपको बताना है। मैं आपको पेपर बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए इस पेपर का तो कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे आपको। और प्रश्न 2 देखिएगा, 3, फिर 9 है, इसका अंदर 6 का कर दिया, फिर आगे देखिएगा इसके अंदर जो अंतर है वो आपको बताना है आपको आगे आने वाली वीडियो। 4 देखिएगा, इसने ये हो गए लुप्त संख्या वाले। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये आपके ट्राइंगल, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच फिगर, यानी कि प्रत्येक जो फिगर है उसके अंदर आपको ट्राइंगल की संख्या बताना है। जैसे कि इसके अंदर आपको बताना है कितने त्रिभुज है, जिसके यहाँ पर 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3, 4, फिर ऐसे बन रहा है, ऐसे भी बन रहा है, पूरा लंबा भी बन रहा है, ऐसे फिर ये भी बन रहा है। तो ऐसे आपको त्रिभुज बताना है, ठीक है, कितने त्रिभुज होंगे वो आपको बताना है। उसके बाद इसके अंदर भी आपको त्रिभुज बताना है, तो त्रिभुज कितने हैं काउंट करने हैं आपको फिगर के अंदर, पेपर बता रहा हूँ। और उसके बाद ये देखिएगा, कुछ शब्द आपको बताना है इसके अंदर से, जैसे कि ए आनेगा, ए के बाद में बी आएगा, क्या आएगा वो आपको बताना है। और ये पेपर भी ऐसा ही है दोस्तों, सारे क्वेश्चंस इसके रिलेटेड है, बहुत अच्छा पेपर है। अगर आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो नीचे मैं आपको टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस पेपर का PDF मिल जाएगा पूरा सॉल्यूशन के साथ। ओके दोस्तों, अब इसके अंदर क्या बताएगा, तुल्य आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, लुप्त संख्या यहाँ पर आपको ज्ञात करनी होगी, यानी कि इसके स्थान पर क्या आएगा, जैसे कि 3 और 4 से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 9 यहाँ पर आ गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 आ गया, ये संख्या आ गई। उसके बाद यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ आ गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 आ गया। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, फिर 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर आएगा 125, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट उत्तर होगा। फिर आपको ये वाला बताना है, जिसकी 4 और 3 इससे रिलेटेड 144 बना है, तो ऐसे आपको करके यहाँ पर क्या संख्या आएगी वो बताना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये देखिएगा, इसमें से भी बताने 1, 4 के रिलेटेड यहाँ होगा क्या होगा, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न बताने होंगे, ठीक है। और संख्या आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी होगी, तो इस प्रकार से लुप्त संख्या वाला हो जाएगा। बहुत सारे पेपर के अंदर ये भी मिल जाता है, कौन सी आकृति है जो कि इससे मेल नहीं खाती है। ये देखिए रीजनिंग का पेपर है, ऐसा पेपर आता है, और इसमें आपको बताना है आकृति में दर्पण बताना है, दर्पण बताना है आपको, दर्पण वाली आकृति छांटनी है इसके अंदर आपको, ओके। तो ये पेपर है आपका, सारा पेपर है, और इसमें आपको इसमें जो पूछे गए हैं, यानी पास से बताना है 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, अगर आपको इतने पास से दे रखे हैं पास से में आपको बताना है विपरीत अंक। और देखिएगा संपादन का पत्रिका से, तो इस प्रकार से क्या
रिलेटेड नहीं है वो बताना है। ओके दोस्तों, समझ आ रहेगा मेरे ख्याल से, बहुत सारे इसके अंदर पेपर मिल जाएंगे आपको। और मैं फटाफट ले रहा हूँ, आप पेपर को देख सकते हो। अगर आप पेपर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और ये देखिए क्या है, मीना ने लड़के की इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादा के एकमात्र बच्चे का लड़का है। तो कैसे होगा, देखिए मीना ने एक लड़के की और इशारा करते हुए क्या है कि वह यानी कि लड़का है, इस लड़के का जो लड़का हो गया। फिर देखिए वह मेरे यानी कि मीना के दादा यानी कि मीना के पहले पापा होंगे, पापा के ऊपर इसके दादा हो जाएंगे। अब दादा के यहाँ पर क्या पूछता है इसने, दादा के एकमात्र बच्चे इसका एकमात्र बच्चे होगा पापा का, पापा का लड़का है। तो मीना लड़का का लड़का मीना के क्या लगेगा, भाई लगेगा दोस्तों, ऑप्शन दो करेक्ट उत्तर का। इस प्रकार से आपको बता रहे हैं, ठीक है। और ये देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है इसके अंदर NMMS के अंदर। और आपको पेपर का PDF चाहिए तो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब ये स्थान बताने कि सी पर पहुँचने पर बाद में बी से कितना दूर है, इस प्रकार से इसका प्रारंभिक स्थान वगैरह, तो 90+ सवाल इसके अंदर ही आएंगे। और इसमें आपको बताना है कि क्या इसका ये अंग्रेजी वाले हैं, ये पंजाबी वाले हैं। तो पेपर ऐसा देख सकते हो और बहुत अच्छा पेपर है, यहाँ से निकल के आया है। परिवार में कुल कितनी सदस्य हैं, ये देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है कि दो लड़के हैं। परिवार बहुत इजी प्रश्न है पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आपको समय आकृति दे रखी है, उत्तर आकृति बतानी है, समस्या प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति, बहुत अच्छी पेपर प्रश्न यहाँ से निकल गया है। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से छः मोबाइल फ़ोन का संबंध है, कुछ नहीं यहाँ से इसके अंदर जो बताया गया है उससे रिलेटेड नीचे प्रश्न आएगा। और दोनों मैट प्लस सेट का दोनों पेपर है। इस पेपर का अगर सॉल्यूशन चाहिए तो मैं दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाद में नेक्स्ट वीडियो बनाते ही। और इसके अंदर आपको दी गई कणों की संख्या बतानी है, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन द फिगर, गिवन फिगर दी गई आकृति के अंदर कितने घन हैं, घन घना वगैरह वो याद करने। और ये कथन निष्कर्ष स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको रटिएगा कि रटिएगा समझिए अच्छे से। और कोडिंग डिकोडिंग भी आता है, अच्छा। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं अपना ये वाला पेपर, देखिएगा स्कॉलेस्टिस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट सेट का क्वेश्चन पेपर है, शैक्षिक क्षमता परीक्षण। चमगादड़ देखिए फिजिक्स का पेपर है यहाँ से। चमगादड़ अपने रास्ते से जाने वाले उद्योग का पता लगाता है, किसका पता लगाता है, बर्फ़ के ग्लेशियर हमें से पिचलना शुरू करता है, अवतल दर्पण वगैरह ऐसा दे रखा है पेपर। देखिएगा पेपर आप देख सकते हो कैसा पेपर, संपूर्ण पेपर देख सकते हो। और इसमें भी कथक दे रखे हैं, गति ऊर्जा वगैरह से भी आ रखा है, बहुत अच्छा पेपर है। कॉलम प्रिज्म देखिए, प्रिज्म वाला सवाल है। और टाइम बहुत कम है इस कारण से, वायु को ठंडा किसके द्वारा किया जा सकता है, चालन द्वारा, सेवन द्वारा, विकिरण द्वारा, भी किसके द्वारा वायु को कैसा जा सकता है। अभिक्रिया देख सकती हो किसका उदाहरण है दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया है, उदासीन अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, कार्बन का कौन सा अपरूप अवशेष के रूप में किया जाता है, धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना होता है, संयोग क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है दोस्तों, अम्ली लवण बताना है। सारा पेपर देख सकते हो, सेट का पेपर है, स्कॉलेस्टिस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। और एग्लिन में एक निकाल देता है, क्या निकल जाता है, ये देखिए सारे पेपर यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। दोस्तों सारा पेपर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। कोशिका में जींस के धारक को क्या कहा जाता है दोस्तों, अच्छा सा प्रश्न निकल गया है। अगर आपको इनका सारे आंसर पता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बाद में मैं आपको इसका पेपर सॉल्यूशन करूँगा तब देख लेना। और कौन सी परिमेय इनके बीच में कौन सी बीज संख्या नहीं है, परिमेय संख्या परिमेय वगैरह याद करना है। 30 का 150 कितने प्रतिशत है वो बताना है। साइकिल चलने वाला कितना क्या होगा दोस्तों, देखिएगा पूरा पेपर यहाँ पर देख सकते हो, मैथमेटिक्स का, फिर साइंस का, SST का, सोशल साइंस का पेपर आगे आएगा। और अमृतसर की संधि किन किन के बीच में हुई थी, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर यहाँ से, मॉडल क्वेश्चन पेपर है। और देखिए रामकृष्ण मिशन समझ ने कहाँ पर स्थापित किया था, क्रिकेट खेल का उदय किस देश से हुआ था, क्रिकेट का उदय हुआ था इंग्लैंड से, ठीक है। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब माना जाता है, कौन सा कथन सही नहीं है। फिर राज्यों का समूह किस देश से लिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से पूछा गया। उड़ीसा में किस राजस्थानी शासन है, हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष कौन,
लद्दाख का प्रमुख शहर लेह किस नदी पर स्थित है? देखिए दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन है और पेपर मेरे पास है, पहले का बैठा था तो मॉडल पेपर यहाँ पर पूरा पेपर ये नहीं है, एक मॉडल पेपर है, सैंपल पेपर, ठीक है। तो 180% यहाँ से है, ठीक है दोस्तों, सारा पेपर हो चुका है, यहाँ से आप रफ्तारी कर सकते हो। पेपर का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में बाद में, अगर आप मैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर टेलीग्राम मिल जाएगा। और वीडियो चलो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा पेपर आएगा आपका NTA NMMS एग्ज़ाम में। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक लीजिए।